कांग्रेस सपने देख रही है, लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए ऐतिहासिक सीटें जीत करके बीजेपी तीसरी बार सरकार, कांग्रेस सपने देख रही है, लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उन्होंने जो लाइन में खड़ा किया, लोगों को तीन तीन दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, ये कैसे दावा कर रहे हैं, इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए, ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं, ये लोगों को नहीं खुश करते, दामाद को खुश करते। बहुत बड़े सीटों के साथ आप देखना ऐतिहासिक सीटें जीत करके बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। कौन नहीं नहीं कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी का कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिश भाई मुख्यमंत्री बन गई है, अब नेता कह रहे हैं कि उनका जो सरकारी आवास था वो भी खाली कर दीजिए, कोई भी सरकारी सुविधा हम नहीं लेंगे। किसको? अरविंद केजरीवाल, कोई भी सरकारी सुविधा हम नहीं लेंगे, एक हफ्ते में खाली कर देंगे, बीजेपी में लगातार नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा है, मैं बधाई देता हूं, अपना नाम क्या है उनका, आतिशी है, मेरे ध्यान रखा, मैं आतिशी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आतिशी को कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता के हित में फैसले करे, केजरीवाल के हित में ना करे, क्योंकि केजरीवाल ने जो समझबाग दिखाए थे उसके उल्ट काम किया है, लोगों को सजबाग दिखा करके वोट लिया है। मैं आतिशी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनको कहूंगा कि दिल्ली के हित में फैसले ले, केजरीवाल की तरह फैसले मत ले।